नमस्कार NBCN न्यूज के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे ट्रैवल्स और टूरिज्म के बारे में। सफर करना किसे पसंद नहीं होता, सफर करने का मजा कुछ अलग ही होता है अगर जरिया अच्छा हो तो। ऐसे ही ट्रैवल्स टूर्स की दुनिया में BTP बसेस की सेवा यात्रियों के लिए शुरू हुई है, तो आज जानते हैं BTP बसेस का पूरा सफर कैसा है। हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में सिराज शेख जो चेयरमैन है BTP बसेस के, और राजेश शंकर राव वंजारे जो बाबा ट्रेवल्स पॉइंट पूना के व्यवस्थापक है, मुख्य व्यवस्थापक। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा सिराज सर से होगा कि जो ये BTP बसेस का जो बिजनेस है, ये ट्रैवल्स टूरिज्म में आप कब से आए हो और किस तरह ट्रैवल्स टूरिज्म में जुड़े हो, क्या बताना चाहोगे? मेरी हर चीज़ का कंसेप्ट होता है और मैं बचपन से हर चीज़ सोचता हूँ। मैं एक आज से करीब 25-30 साल पहले सोचा था कि मेरा एक लोगो बसेस पे चलना चाहिए। लोगो कुछ और सोचा था, लोगो कुछ और गया, पर सेम ही गया, अच्छा गया। हम टूरिज्म में 2012 से हैं। हमने पैकेज, हॉलीडे टिकट, फ्लाइट टिकट, काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह में थी, लेकिन हमारे जो मित्र है राजेश भाई वंजारी, हमसे मुलाकात हुई, बोला आप बसेस में भी आओ, अच्छा कंसेप्ट है, पुणे से अच्छा वॉल्यूम है। फिर हम लोगों ने इसका प्लान किए, इसके सेवा में गए और बसेस जो हमने जो डाले, हम लोग एक सर्विस इंडस्ट्री पे के बेस पे डाले। बाज़ार में तो और भी बसेस चल रही है, लोग ऐसे ही आए कैसे भी चला लेते, लेकिन हमने क्लाइंट को अच्छी सुविधा जाए, अच्छा सिस्टम से तरीके से मैनेजमेंट अच्छा से अच्छा रख के हम लोगों ने उनको सुविधा दी। आज अभी रेड बस के ऊपर अगर सर्च मारते हैं तो हमारी बस टॉप मोस्ट पे चल रही है D1 से। हम लोग 4 बस रनिंग पुणे चालू किए, वापस अभी 12 और लाए, टोटल हमारी क्वांटिटी 16 बस हो गई। हमारा आने वाले 3 साल के अंदर 100 बस का प्लानिंग है, आने वाले 3 साल में हम 100 बस कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल अभी हम लोग 3-4 महीना अभी हमारी 16 बस चलेगी, जिसमें से एक जोड़ हम लोगों का नागपुर टू जबलपुर चलेगा, जबलपुर हम लोग ये करेंगे, एक नागपुर टू हैदराबाद करेगा, और बाकी पूरा पुणे से राजेश भाई सोचेंगे किधर डालना है करके। हम पुणे से जबलपुर है, पुणे से रायपुर भी सोच रहे, पुणे से नागपुर भी है। और हमारे बस की क्वालिटी, हमारे बस की जो सुविधा, शायद ही नागपुर के पर महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं है। हम लोग कस्टमर की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इसीलिए लोग हम लोगों को अच्छी रेटिंग दे के हम लोग का नाम नंबर 1 पर चला रहे हैं, यही हमारा कंसेप्ट है। निश्चित ही। दूसरा सवाल मेरा राजेश सर से है, आप ट्रैवल्स एंड टूरिज्म की दुनिया में पहले से जुड़े हैं, लेकिन BTP जो है बाबा ट्रैवल्स पॉइंट से आप किस तरह से जुड़े, क्या बताना चाहोगे? लगभग मैं आज 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसा करना चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, उसका समाधान कैसा हो। अगर उसने ट्रैवलिंग किया तो नेक्स्ट टाइम उसी चॉइस, उसी बस को चॉइस करना चाहिए, वो टारगेट से हम लोग ने काम करने के सोचे थे। और जब मैंने सोचा कि ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए, ऐसा कोई विजन वाला व्यक्ति होना चाहिए जो अपने इंडस्ट्री में आना चाहिए, तब जाके मेरी BTPBuses.com, BabaTravels.com जो जिसके ओनर है सिराज शेख साहब, उनके साथ जान पहचान हुई, उनको मैंने कंसेप्ट बताया, उन्होंने भी कंसेप्ट समझ लिया, और आज हम लोग महाराष्ट्र में नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में फुल फुट में हम लोग ऐसा काम करने वाले जहाँ पे हम लोग कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पहले देखने वाले, जहाँ से हम लोग आज उनको दे रहे हैं, आज स्टेट कवर करेंगे, कल इंडिया कवर करेंगे, यही उम्मीद है कि इसको अच्छी से अच्छी सर्विस दे के क्लाइंट को क्या चाहिए, उसका एंटरटेनमेंट क्या चाहिए। आज बच्चा अगर ट्रैवलिंग करता है तो उसको कार्टून शो चाहिए, एज एडल्ट शो करता है उनको मूवीज चाहिए, कुछ न्यूज़ चाहिए, ये सब इंटरटेनमेंट हम लोग बस में लाए, ब्लैंकेट दे रहे, पिलोज दे रहे, साफ से नमकीन दे रहे, वाटर बॉटल दे रहे, कि जेने जो भी हो कस्टमर भगवान होते हैं, अगर हम उनको सेटिस्फाई कर सकते तो एट इज हम लोग आज टॉप 1 पे चल रहे हैं, तो हम पूरे पुणे नागपुर लाइन पे टॉप 1 पे, तो हम सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया में हमारी बसें दौड़ेगी और हम लोग टॉप 1 पे अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे कस्टमर्स की। इसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है क्या बताना चाहोगे? इसके पीछे की पार्श्वभूमि, जगह आप ग्राउंड लेवल पे काम करो, मेहनत करो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, कोई भी हालत में आपको सर्विस में किधर भी 19-20 करना नहीं है, 100% नहीं, आपको 101% आपको वहाँ पे फिजिकली भी देना है और मेंटली भी देना है, यही काम आपका करना है। अगला सवाल मेरा सिराज सर से है कि बाकी की ट्रैवल्स एंड टूर्स
जो सुविधाएं यात्रियों को देती है उससे अलग क्या सुविधाएं है जो बीटीपी बस द्वारा दी जा रही है? अभी हम लोग ने बाकी जो बसेस में देखे, हमारे बसेस में देखे तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी के मामले में हम लोग 1 नंबर 1। हमने जो ब्लैंकेट भी दिए, जो पीलो दिए, जो बेडशीट है, हम लोग उन सब क्वालिटी वाली दिए। बाकी और हम लोग डे टू डे बदलते, न्यू देते, फ्रेश, इधर से जाए उधर से जाए। कई लोग उल्टा पलटा के या उल्टा करके उसको भी चलाते, हम लोग का काम वो नहीं है। दूसरा, हमारा वाटर बॉटल इज कंपल्सरी है, साथ में नमकीन का पैकेट भी हम देते हैं, पढ़ने के लिए अखबार भी देते हैं लोगों को। हमारे हर पैसेंजर के सामने, पर्टिकुलर लोगों के सामने एक एक टीवी लगा है, टीवी में अपने मूवी भी देख सकते हैं वो लोग। हेडफोन की सुविधा है, हेडफोन की भी सुविधा किसी की भी नहीं है ना, एक डिफरेंट ही है। और बस में सबसे बड़ी बात है हमें क्लीनिंग, क्लीनिंग में हम कंप्रोमाइज नहीं, हम चेक करते हैं पहले पूरी क्लीनिंग, बाद में ही बस भेजते। चाहे बस हमारी 5 सीट में जाए, 10 सीट में जाए, या पूरी पैक जाए, सबके लिए एक ही सुविधा। ऐसा नहीं कि भैया बस कम जा रही है तो उसको क्या सुविधा ना, छोड़ दे कैसे भी चल जाए, वो हम लोग वो काम नहीं कर रहे। और ये हम लोग लॉन्ग लाइफ करेंगे, क्योंकि मैं एक बिजनेस पे डिपेंड हूँ। मेरे आर्थिक कंडीशन में 20-22 बिजनेस और भी है, मैं हर इंडस्ट्री में अलग अलग काम करता हूँ। मेरे पास में 250 लोगों के ऊपर की टीम काम कर रही है, सब लोग अलग अलग टीम को देते। तो हम लोग का ऐसा एक पूरा ये विजन है कि हमको बस ही हमारी ज़िंदगी चलेंगी, कमाई हमारे कमाई का ऑप्शन और भी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कैसा, ये इंडस्ट्री में है ना, 2 पैसे कम प्रॉफिट पैसे हमको चलेगा, लेकिन सर्विस के मामले में किसी की कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, ये हमारा विजन है। फिलहाल बीटीपी बसें जो है नागपुर टू पुणे और पुणे टू नागपुर चल रही है, आगे क्या आपका ये मतलब कहाँ तक आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्या आपकी आकांक्षा है, क्या बताना देखो, चाहिए? अभी तो मैंने सिर्फ दो एक जोड़े में मैंने अपने चॉइस से डालो कि मैं जबलपुर में किसी को कमिटमेंट किया था, हैदराबाद में किसी को कमिटमेंट किया था, एक एक जोड़ा। बाकी पूरा का पूरा मैं अपने भाई राजेश मंजारी को सौंप दिया, इनकी चॉइस जिधर रहेंगी उधर डालेंगे। आने वाले और 10-20 बस और भी आने वाली है हमारी, आने वाले नवंबर दिसंबर, वो भी राजेश भाई ही लाइन बताएंगे कौन सी लाइन पर डालना है। ये 4 बस मैंने अपने दिमाग से डाला, क्योंकि मेरा इनसे मिलने के पहले मैंने किसी से कमिटमेंट हो गया था, तो कमिटमेंट मेरे को उनको पूरा करना था उसके सामने। बाकी राजेश भाई की चॉइस है, ये हमारा भाई है, जिधर डाले उधर हमको वॉल्यूम से, क्योंकि नागपुर से ज़्यादा वॉल्यूम पुणे से है। पुणे में IT इंडस्ट्री है, हब है, कि वहाँ से ज़्यादा बुकिंग आती है, वहाँ से ज़्यादा पैसेंजर बैठते हैं, तो हम इनका सजेशन इस मामले में ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अगला सवाल राजेश सर से है मेरा, कि क्या आपका बीटीपी बस का जो है आगे का क्या मतलब आपको लगता है कि कहाँ तक इसको ले जाना है, क्या एजेंडा है, क्या बताओगे? मैंने पिछले सवाल में आपको जवाब दिया था कि आज हम लोग स्टेट कवर कर रहे हैं। जैसे भैया ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भैया की पहचान है, उनको भी एक नई अपॉर्चुनिटी देना है कि भैया आज ये बिज़नेस में भी आप आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन कैसा ग्रो कर रहा है, कैसे काम कर रहे लोग, और आज ज़रूरत क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्लीन एंड वाइट एंड मॉरल चाहिए, वो हिसाब से काम कर रहे। तो आज हम लोग स्टेट कवर करने के बाद जो जो मटेरियल आएगा उसको मोटिवेट करके हम लोग ऑल ओवर इंडिया कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अभी आप काफी सालों से इस बिजनेस से जुड़े हो, जी, तो क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, क्या बताना चाहोगे? इसके रूल्स रेगुलेशन वैसे कि आपके पहले तो बसेस के पेपर कंप्लीट होने चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटनेस आपका सही होना चाहिए, और कोई भी बिजनेस आप वाइट एंड मॉरल करो। कुछ बसेस में ऐसा होता है कि हाइपर टेंशन में काम करते हैं, कुछ बसेस में वाइट एंड मॉरल काम करते, जो वाइट एंड मॉरल और कूल माइंड से काम करते वो हमेशा सक्सेस होते और डेफिनेटली 101% सक्सेस होते। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर बसों के मतलब एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, तो इस हिसाब से ड्राइवर के हिसाब से आप क्या क्या सुविधाएं रखे हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे जब बसें चलती है तो किस तरह का आपका मैनेजमेंट होता है? सबसे पहले तो मैडम ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग टाइम कवर करना, क्वालिफाइड ड्राइवर रखना, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं क्या नहीं, उसको टेक्निकली नॉलेज है क्या नहीं। पहले क्या है, अनएजुकेटेड ड्राइवर थे, आज वो भी एजुकेटेड हो रहे हैं, पर एजुकेटेड ड्राइवर रखने से टाइम कवर होना, पैसेंजर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वो ड्राइवर सेटिस्फाई रहने के बाद ही ट्रैवल सक्सेस हो सकती है। उनका ड्रेस कोड होना चाहिए, उनकी शेविंग करना चाहिए, जो मतलब ठीक ठाक साफ़ सुथरा काम रहेगा, तो हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि आगे इनसे आगे और इंक्रीमेंट भी सोचेंगे और फ्यूचर ब्राइट करना है, बस यही हमारा ड्रीम है। हमने उससे BTP जो कंपनी है, BTP कंपनी ने पूरे महाराष्ट्र में शायद किसी ड्राइवर को सुविधा नहीं मिली नहीं जो हमने अपनी तरफ से एडिशनल उनको दी है। उनका मेडिकल पॉलिसीज कंपलसरी करें जी, एक्सीडेंट पॉलिसी कंपलसरी किए, उसके बाद में उनको टर्म इंश्योरेंस निकाल के दिए, ये हर किसी से नहीं होता है, हम लोगों ने किए।
उसके बाद में हम लोग उनको 15 साल का नॉन स्टॉप जॉब करते हैं हमारे पास, तो हम लोग उनको रिटायरमेंट में भी एक प्रॉपर्टी गिफ्ट देने वाले 600 स्क्वायर फीट की प्लॉट। ये हम लोग ना पूरा कंपनी का पूरा विजन है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को 100 बस, एक बस के पीछे हम लोगों को 3 ड्राइवर लगते हैं, तो हम लोगों को 100 बस करते तो 300 ड्राइवर, तो 300 ड्राइवर बार बार इधर जा रहे उधर जा रहे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के उनको सारी सुविधा दे के हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर परमानेंट रहे, बार बार छोड़े नहीं। और क्योंकि वो परमानेंट रहेंगे उनको कंपनी की क्वालिटी मालूम पड़ेगी, वो एक फेस उनको कुछ करना है गेस्ट लोगों को, तो इस हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट है उनसे ज़्यादा फेस होते हैं, इसलिए हम लोग मौका ही नहीं दे रहे कि ड्राइवर को क्या वो जो सुविधा चाहिए पूरी दे रहे, तो अच्छे से अच्छी सुविधा वो भी क्लाइंट को दे रहा है, इसलिए हम लोग का जो बस का जो ज़्यादा नाम चल रहा है वो मेन उसमें हमारे ड्राइवर और क्लीनिंग की बहुत बड़ा रोल का है, बहुत बड़ा उनका योगदान हमारे लिए है, तो सारा जो योगदान है वो ड्राइवर और कंडक्टर का है। आप अलग अलग आपके बिजनेस है, देश विदेश में भी आपके बिजनेस फैले हुए, तो इस तरफ आप किस तरह ध्यान देते हो, मतलब किस तरह से टाइम मैनेज करते हो, क्या बताओगे? ये तो मेरा पर्सनल, मैं तो उसे टेलीफोन और मेरा व्हाट्सएप ही मेरा बिजनेस है, और मैं तो उसे पूरा व्हाट्सएप पे बिजनेस हैंडल करता हूँ। हमारे कंसर्ट के लिए हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, मिस्टर अजहर खान करके अब हमारे यहाँ के पूरे BTP बस के इंचार्ज है मेन, एंड बॉस ही बोलो तो चलता हमारा भाई है वो, उसको पूरा हक हमने बना दिए, एक ड्राइवर का इंचार्ज करके मुनाब करके है वो पूरा ड्राइवर को हैंडल करता है, तो मेरा टेंशन नहीं, मेरे को कुछ भी मैनेजमेंट को दो ही लोग को बात करना है, फिर दो ही लोग पूरे नीचे हैंडल कर लेते, अब फिर यहाँ से जालना तक हम लोग संभालते, और जालना के आगे की जो भी प्रॉब्लम है पूना तक के, और राजेश भाई है वो राजेश भाई का प्रॉब्लम होता है वो आपको उधर का बताएंगे, मेरे को यहाँ से लेके जालना तक का टेंशन है, तो उसमें से वो अजहर और मुनाब अच्छे से मैनेज कर लेते दोनों भी। आज इन BCN के माध्यम से आप आपके यात्रियों को या आपके ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बताओ? अगर आप हमारे बस से ट्रैवल करते हो, प्रवास करते हो, तो आपको जो भी दिक्कत है हमारे कॉल सेंटर का नंबर है, प्लस एनी हेल्पिंग हैंड अगर आपको चाहिए तो हम लोग 24/7 हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, यही संदेश देना चाहते। धन्यवाद आज की खास मुलाकात में, वक्त चला यही रुकने का, और ऐसे ही व्यक्तिमत्व के साथ हम मिलते रहेंगे, देखते रहिए इन BCN न्यूज़। नमस्कार।